हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपको फ्री में दवाइयों की जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इस वीडियो में हम सिफेक्सिम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैंने इस चैनल पर सिफेक्सिम टैबलेट को लेकर जो और कंपनीज़ की आती हैं उस पर मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप बहुत सारी सिफेक्सिम टैबलेट यूज़ करते होंगे, या आपने पहले की होगी या आप करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सी टैबलेट मार्केट में जेनरिक आती है और कौन सी एथिकल आती है। दोस्तों, माइक्रो की माइसेफ ओ के नाम से एक जेनरिक दवा है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, इसकी कीमत है मार्केट में आप देख सकते हैं 105 रुपये 16 पैसे। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। जीस फार्मा इसको मैनुफैक्चर करता है और माइक्रो लैब्स लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको मार्केट करती है। दोस्तों, सिफेक्सिम टैबलेट ड्रॉप्स के रूप में, सिरप के रूप में और टैबलेट के रूप में आती है। ये 200 mg में और 400 mg में और 100 mg में भी मार्केट में आती है। दोस्तों, सिफेक्सिम एक तरह का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर के सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको खाने के लिए कम से कम 14 से 15 साल की उम्र होना बहुत ज़रूरी है। इससे छोटे बच्चों के लिए 100 mg टैबलेट डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है। दोस्तों, सिफेक्सिम टैबलेट को खाने से सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, छींकें आना, सर्दी लग जाना, इसके बाद नाक से पानी बहना, इसके साथ साथ कान में जख्म हो जाना, आँख में जख्म हो जाना, आँख में घाव हो जाना, दांतों में सूजन, दांतों में इन्फेक्शन हो जाना, गले में खराश रहना, गले का इन्फेक्शन हो जाना, छाती में इन्फेक्शन हो जाना, पुरानी खांसी होना और छाती में बलगम जम जाना, और पुरानी खांसी जैसे फेफड़ों में सूजन और पेट में सूजन, पेट का इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, इसके साथ साथ हड्डियों में सूजन आ जाना, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों, सर्जरी के बाद भी जख्म ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके साथ साथ टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार में भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, या इन्फेक्शन जैसे TLC और ESR पेशेंट का बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी सिफेक्सिम टैबलेट को दिया जाता है। और दोस्तों, सिफेक्सिम टैबलेट बहुत सारी कंपनीज़ की आती है, अच्छी कंपनी की, ये भी एक अच्छी कंपनी की है, आपको हर मेडिकल कमिट से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, कहीं पे घाव हो जाना, जख्म हो जाना, इन सभी कंडीशन में भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अच्छा, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सिफेक्सिम टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे लूज मोशन होना, बॉडी रिएक्शन होना, हेडेक होना, डायरिया होना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, कॉमन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे सबको नहीं होते हैं, कुछ लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कुछ सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और इस टैबलेट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कुछ सुझाव रहता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।